नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर देसुआ पंचायत में सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के 14 फरवरी को आगमन को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण बुद्धिजीवी वर्ग व स्थानीय प्रशासन की संयुक्त बैठक उप विकास आयुक्त समस्तीपुर की अध्यक्षता में भगवानपुर देसुआ पंचायत के काली मंदिर परिसर में आयोजित की गई। आयोजित इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए सुझावों पर भी ध्यान देने की बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए स्थानीय वरीय पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान नियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल सभी आपस में मिलजुल कर तालमेल बनाकर काम करेंगे व ड्यूटी के दौरान पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, ताकि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान उनके मार्ग स्थल में कहीं पर भी अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ जमा नहीं होने देंगे। वहीं उप विकास आयुक्त समस्तीपुर ने बताया कि कार्यक्रम के दिन सभी प्रतिनियुक्त कर्मी समय से अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंच जाएंगे। ड्यूटी के दौरान जो भी संभावित समस्याएं हो उसका पहले से आकलन कर समाधान कर लेंगे, ताकि ड्यूटी के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री जी के काफिले वाली रास्ते में दिन के 12 बजे के बाद से सभी प्रकार के वाहनों पर खास नजर रखेंगे। इस दौरान रास्ते में किसी भी चौक चौराहों पर मोटरसाइकिल, ठेला व अन्य वाहन नहीं रहने देंगे। इससे मुख्यमंत्री जी के काफिले को आने जाने में परेशानी हो सकती है। इस दौरान बैठक में उपस्थित सभी ग्रामीण व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशासन के सभी कार्यों में अपेक्षित सहयोग करने व मुख्यमंत्री जी के इस दौरे को सफल बनाने की बात कही। मौके पर अनुमंडलाधिकारी दल सिंह सराय प्रियंका कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर डॉक्टर भृगुनाथ सिंह, अंचलाधिकारी उजियारपुर अजीत कुमार झा, थानाध्यक्ष उजियारपुर अनिल कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार, CDPO उजियारपुर रीता सिन्हा, लोहागीर सरपंच निरंजन कुमार, गावपुर पैक्स अध्यक्ष विद्यानंद सिंह, भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार, रायपुर पंचायत समिति सदस्य बुद्धन रजक, हरिवल्लभ प्रसाद, मालती के पूर्व मुखिया राजेंद्र प्रसाद सिंह, बेल्लारी मुखिया संतोष कुमार झा, अनिल कुंवर, गौरी शंकर सिंह, देवेंद्र पाठक, जदयू नेता वरुण साह, गावपुर मुखिया अजय कुमार, लखनीपुर महेश पट्टी की पंचायत समिति सदस्य सोनी कुमारी, अरविंद कुमार राय उर्फ पिंटू सहित सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन व पदाधिकारी उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आज देसुआ ग्राम में बैठक प्रशासन की ओर से आयोजित इस बात के लिए की गई है कि 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यहां पे आगमन है, और उस आगमन की सफलता और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण से सफल कराने के लिए प्रशासन की ओर से यहाँ पे बैठक हुई है। माननीय मुख्यमंत्री 14 तारीख को जो देसुआ गांव में आ रहे हैं, इसी लेकर स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग और आम ग्रामीण का एक संयुक्त बैठक रखे हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये विषय था कि विधि व्यवस्था से संबंधित कोई तरह का परेशानी नहीं उत्पन्न हो, उनका यहाँ का कार्यक्रम सफल हो और उजियारपुर के धरती को जय जयकार करते हुए मुख्यमंत्री महोदय जाए यहाँ से, इसी संबंध पर बैठक रखा गया, जो सफल बैठक रहा। बिहार का गौरव की बात है, ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने कामों का काम बनाते हैं और काम को देखने के लिए गांव-गांव तक जा करके वह देखते हैं, जो हमने जो योजना दिया अपना काम हमारा कितना हो रहा है, जनता हमारे साथ कितना खड़ा पक्का है, इस उद्देश्य में वो आ रहे हैं।